आक्रोश इतना है अगर दिल से दिल में भी फूट पड़ा है, चेहरे पे तो है ही है। मैं नतकाऊ न के मेरा जो गए कदे खुडा मनी चांद मता पास गए थे बंदर उडा मनी खट्टर जा रहा है और भूपेंद्र सिंह उठा दीपेंद्र सिंह उठा रहे हैं। लग रहा धनखड़ साहब ने नींद नहाती, तीन दिन हो गए और आज तनु ला ले चंडीगढ़ जाके सोगा अड़े तरह भाई कोना उड्डा साहब बनेंगे और इससे अच्छा मुख्यमंत्री मिला ही नहीं हरियाणा को। कति क्लियर है उड्डा साहब सीएम है, बीजेपी कुछ नहीं है, सिर्फ उड्डा साहब है हरियाणा में जी। पूरा बादली हल्का आपकी बारहवें मान्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनाएंगे जी। भाजपा ने सिर्फ लूटने का काम करा, भाईचारा खत्म करने का काम करा जी। इतना बड़ा जन सैलाब आप देख रहे हो, पब्लिक की चाहत है क्योंकि बीजेपी सरकार से दुखी हो चुका है आम इंसान। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज मैं बादली हल्के के माचरोली गांव में हूं। यहां आप देख सकते हैं जन आक्रोश माचरोली में की गई है जो कि कांग्रेस का एक कार्यक्रम है। हर जगह पे इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम का जो आयोजन है कुलदीप वत्स ने किया, पर आप उधर देखेंगे ना आपको एक पूरा अमला ढमला, अंदर तो भीड़ है जितनी है, मैं आपको अभी बाहर की दिखा रहा हूँ और आने में काफी वक्त है उड़ा साहब के, उससे पहले ही बड़ी तैयारियां हैं। और ये जो जेसीबी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इन सारी की सारी जेसीबी में फूल भरे हुए, दिखाओ भजित एक बार ये सारी की सारी जेसीबी। इस प्रकार की 7 जेसीबी लगाई गई है, ऊंट हैं, घोड़े हैं, सब कुछ पूरा तामझाम है यहाँ पर स्वागत के लिए। अब लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। बड़ा तामझाम जोड़ रहे आज पंडित जी ने। हाँ जी, बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में, क्यों हो भी क्यों नहीं। जो हरियाणा की भारत सरकार जिन्होंने जन जन के लिए परेशानियां जो खड़ी की हैं, उसके कारण हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, उनके लिए बेरोजगारी है, तो क्यों नहीं होगा। मतलब आक्रोश फुल। हाँ जी, वो आक्रोश इतना है अगर दिल से दिल में भी फूट पड़ा है, चेहरे पे तो है ही है। हुड्डा साहब देखिए मैं प्यार है कि नहीं, हुड्डा साहब से तो इतना प्यार है इस जनता ने। उन्होंने 9 साल में जो इस इलाके को या इस जनता को दिया, शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने दिया होगा। आपका जज्जर वगैरह तो कह रहे हैं पूरे वो कर दिया। जज्जर वगैरह नहीं जी, हम अहिरवाल से आते हैं। अच्छा। रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की 3 सीट अब की बार कांग्रेस की होंगी, जोली में होंगे। हाँ, पर कह रहे थे कि अहिर तो ज्यादातर बीजेपी के साथ बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं बीजेपी को नहीं दिया, बीजेपी को नहीं दिया उन्होंने। पर एक वातावरण उन्होंने जो गलत फहमी, 15-15 लाख रुपए का जमला दिखाया, उसके कारण लोगों ने वोट दिए थे। आपको क्या लगता है अब की बार हुड्डा साहब दे लेंगे गेड़ा? अभी 100% हुड्डा साहब बनेंगे और इससे अच्छा मुख्यमंत्री मिला ही नहीं हरियाणा को अभी। इसके हर मतलब हर उसके लिए, जवानों के लिए, नौकरी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, सारे काम, यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज इतने जो खोल रहे हैं किसी ने खोले, एजुकेशन के लिए, जमींदार के लिए, इससे अच्छा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा और दीपेंद्र जैसा तो मिलेगा ही नहीं। नाचन गान का पूरा प्रोग्राम है ऊँट के ऊपर वो भी, और दाएं बाएं देखोगे यहाँ भी बहुत सारे ऊँट खड़े हैं। जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा आएंगे तो ये ऊँट के साथ इनको, और एक बात है रंग ला रखे हैं पंडित जी ने, जबरदस्त जबरदस्त तगड़ा प्रोग्राम, तगड़ा ही पाओगा पंडित जी, बात पड़ा इस मामले में सके बहादुर विधायक है हुड्डा साहब का। भीड़ भाड़ भी चौकी है देखिए, एक तरफा माहौल। 2 दिन हो गए धनखड़ ने पसीने ना आते, पसीने आ रहे नींद ना आती। इनके सीट साठ निकाल लेगा सीट, अब की बार कम से कम 75 धनखड़ साहब ने नींद ना आती, 3 दिन हो गए और आज तनु ला ले चंडीगढ़ जाके सोगा अड़े तरह भाई कोना। सोने का कारण फिर कहूंगा दिखाइए, जड़े तक कैमरा जाओगा उड़े, इतने लोग तो यहाँ खड़े रैली जितने तो, और अंदर दो और भी खड़े हैं। डबल बार से भीतर ये तो डबल बार है देख लो, स्थान कम पड़ गया। विधायक जी ने एक काम छोटा कर दिया, जगह छोटी चुन दी। केला क्या है जी, क्या कि मैं कांग्रेस की बात बनेगी भाई, बननी चाहिए मेरे हिसाब से, बननी चाहिए। क्लियर भाई साहब, क्लियर है पेड़ क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। हमारे जो हुड्डा साहब कति क्लियर है, इसमें कति क्लियर है, हुड्डा साहब सीएम है और विधायक साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा ग्राउंड है। बीजेपी सारे स्टेट में जीत दी जाओ, अरे क्यों करे हौसला है।
यो तो पब्लिक का वो रुझान है क्लियर इसमें कदी बीजेपी तो गई हुड्डा साहब का जी बीजेपी बीजेपी कुछ नहीं है सिर्फ हुड्डा साहब है हरियाणा में जी एक तरफा हुड्डा साहब क्यों हुड्डा ऐसा के नहीं आ रहा हुड्डा ने अच्छे काम किए थे बीजेपी ने एक भी काम बताओ कोई काम किया हो बीजेपी ने हुड्डा ने यहाँ जब भी 10 साल राज करे अच्छे काम करे बाईपास बना दिए रोजगार दिए लोग बागा इन्हें एक भी रोजगार नहीं दे रहे भूखे मार दिए पहलवान इन्हें मार दिए छोरी इन्हें बलात्कार कर ला रहे संदीप पहलवान वो संदीप जो मंत्री है उसका इस्तीफा नहीं ले रही सरकार बताओ और क्या करेगी ये सरकार अरे खट्टर साहब तो नहीं कह मेरा जितनी नौकरी किसी ने दी नहीं आप बताओ भी कहाँ नौकरियां हैं कहाँ नौकरियां हैं एक तो बताइए बेरोजगार कितनी जनता है सब बेरोजगार आदमी है आज मैं एक लड़का अगर मतलब लग गया करता तो 3 पीढ़ी मतलब रोजगार मिल जाया करता अब क्या है अग्निवीर कर दी ना इनको पिल्सन ना इनको के नाम से कोई भी सुविधा नहीं दे रहे गवर्नमेंट तो पब्लिक इस गवर्नमेंट सरकार से मतलब बिल्कुल खपा है गढ़ा दुखी हो रहा है तो सरकार हम यही है नहीं जी पूरी हरियाणा की जनता ही परेशान है बीजेपी सरकार से वही मेरे हिसाब से ऐसा कोई कार्य नहीं करा जिससे मतलब पब्लिक प्रेस सुख हो मतलब जिससे कोई ऐसा काम हो सामाजिक कार्य कराए नहीं जी रोड के ऊपर पट्टी नहीं लगवाई जा रही जिनसे ये इतना चाह है इतने डीजे आ रहे हैं ये सारे लोग ले आ रहे हैं ये सब बीजेपी के खिलाफ है जी आप देख लो जी जनता ही बता देगी जी आपको पब्लिक कितनी आ रही है और उससे ज्यादा रोडों के ऊपर है नहीं है जी ये सब वोटर है जो आ रहे हैं या कहीं भी देखो आप वोटर है जो सब वोटरों में ये खरीदिया नहीं ये दिल का दिल के चाहे हुड्डा साहब ने ये नु खरीद के ले रहे दिल तार है कि दिक्की ले रही बगा बीजेपी गवर्नमेंट में इतना धरना प्रदर्शन हुआ क्या कांग्रेस राज में कोई धरना नहीं हुआ लेकिन बीजेपी सरकार में इतना भारी अत्याचार इतना भारी रोड जाम कितना भारी हुआ था जी भाई कुछ और लोग बात कर लेना भाई देखो ऊंट का डांस देखो एक बार यार है घना चाह हो रहा लोग हाँ जी खूब बढ़िया अच्छा हो रहा जी ये कारण है इसका है जी जन आक्रोश रैली है सर जन आक्रोश रैली है सर हाँ जी क्या बात है आ जा भाई जी तेवरा ना आ जा देखे बोलो के आज मैं बादली हल्के से गांव माथरोली के अंदर बहुत बड़ी एक आक्रोश रैली हमारे इलाके में पहली बार होने जा रही है माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्य अतिथि हमारे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी तीनों अपने आज तो भीड़ भाड़ का अच्छा काम कर रहे हो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल पूरी धक्का मुक्की हो रही है हाँ जी ठंडी भीड़ हो रही है नट काटेंगे नट काटेंगे जिंदाबाद के भाई विपक्ष को साइड में बैठा दे भाई विपक्ष के पाप आट देंगे हाँ एक तरफा पूरा बादली हल्का अब की बार में माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनाएंगे और हरियाणा के अंदर एक बदलाव देखने को ले आएंगे अब की बार में सरकार बाहर के बाट देखा दीपेंद्र की देखा है दीपेंद्र की भगवान अपना पति अरे तू वो है ना शायरी सुनाया सारा बाट दिया मैं तुरा मिल गया सुना दे भाई मेरा देखे के सुनाऊ बता जो तेरा स्टाइल है मेरा स्टाइल है सुन ले रहा है व्यापारी ने जाएंगे व्यापार नौजवान ने जाएंगे व्यापार अगर हरियाणा देगा कांग्रेस की सरकार जवान ने जाएंगे सुविधा सर भाई दीपेंद्र हुड्डा की एक और भाई है मुख्यमंत्री हुड्डा साहब की चांद मताक पास गए थे बंदर हुड्डा मनी दिया भाई आ जा तेरे मन में कुछ कहने की लागे देखो जी सबसे पहले तो सभी बादली हल्का के जितने भी युवा साथी मेरे बुजुर्ग है माता पिता तुल्य बुजुर्ग है उन सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार बात कह दे अब की बार हरियाणा में 101% हुड्डा साहब की सरकार आओगी और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाई दीपेंद्र हुड्डा को फिर से सांसद बना करके और हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी बनाने का काम करेंगे जय हिंद जय भारत
दीपेंद्र हुड्डा जो उसने बढ़िया इंसान हरियाणा की राजनीति में कोने को मेरा बाबू सरपंच बन जाए इंस्पेक्टर बन जाए हम नुकाएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे उसका बाबू 10 साल सीएम रहेगा कदे लाना आया अक भाई उड़े गोली चला दी उड़े थाने में चला गया अक उड़े यो पुत्र कर दिया इस तो ऊपर के लेगा भाई इतनी ले भाई आप भी सर नमस्कार हाँ प्रधान जी पूरा रंग लाया आप ये रंग है जनता ने बना रखा है भाई साहब और रंग है दो चीजें हैं एक तो जनता में उत्साह है कि हमारी सरकार आ रही है दूसरा विरोध है भाजपा की तरफ कि भाजपा ने सिर्फ लूटने का काम करा भाईचारा खत्म करने का काम करा जी ओ विधायक जी यू इतना जोश क्यों भर गया सारे में ये हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम का खट्टर जा रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं एक बात है आपने भी ब्याह भर का काम कर दिया ये चाचा था वो मेरे इतना आक्रोश की टोल धमाके कर दिया ये बदलाव की आंधी है यहाँ से एक बार खट्टर तक गया ये जो बदलाव है ना ये बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा जनता ने अपना मूड बना लिया है और अब कांग्रेस पार्टी आ रही है कांग्रेस सरकार बना रही है कांग्रेस सरकार बना रही है यूनियो का है जी कांग्रेस सरकार बना बिल्कुल कांग्रेस सरकार बना रही है आप जन सैलाब को देख के समझ सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा के अंदर एक तरफा कांग्रेस सरकार आएगी इतना बड़ा जन सैलाब आप देख रहे हो पब्लिक की चाहत है क्योंकि बीजेपी सरकार से दुखी हो चुका है आम इंसान गरीब किसान फौज सब कुछ तंग कर दिया है बीजेपी सरकार ये इतने मानस काट के क्यों कर ले होता मैं भाई ये मानस दिल की चाहत है ये दिल से कांग्रेस पार्टी के साथ है इसलिए ये बिना एक आवाज के ऊपर इतनी बड़ी जनसंख्या ही है कहते तेरा भी मन में कुछ हो रही है हाँ भाई केक लगा भाई केक भी बार की दामते देख जानते नहीं हम तो अपना भूपेंद्र भाई है ना सरकार की तरफ से दीपेंद्र भाई की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं और खट्टर सरकार है मुर्दाबाद केक हो गए भाई साहब ये रोने के ना देख के माननीय मुख्यमंत्री भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है और बीजेपी और जेजेपी का सूपड़ा साफ हो रहा है और हमारे बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप उसके नेतृत्व में ये हरियाणा के आने वाले डिप्टी सीएम होंगे और भूपेंद्र हुड्डा हमारे सीएम होंगे और हरियाणा में 50 सीट चलो भाई ये जो लोग रैली में पहुंचे हैं फिर मैं बता दिया जो भीड़ दिखाऊंगा ये अंदर की थी ये बाहर खड़ी हुई भीड़ है रैली के अंदर तो लोग कुर्सियां पैक करके बैठ गए हैं पर यहाँ भीड़ जो है वो बड़ी तगड़ी है खैर ये सारा प्रोग्राम देख के लोगों की बात देख के सामने केला क्या है कमेंट करके जरूर बताइए कहते जो गीता के साथ सत्य खबर सत्य सटीक बेबाक